तब ही घर परिवार की गाड़ी खींच सकेला। और अरे भाभी रहुआ यहाँ अकेले, लेकिन हमरा के तेरे रमा दीदी की आवाज सुनाई देलस। इसमें है रमा। ये का भाभी? दरअसल रमा ने अच्छी पत्नी होने के लिए मुझे बहुत सारी बातें समझाई थी, वही सारी बातें मुझे मेरी माँ ने भी समझाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसी बातें याद ही नहीं रहती। बस इसीलिए मैंने रमा की सारी बातें अपने इस फोन में रिकॉर्ड कर ली। ये तो तू एकदम ठीक कर लो भाभी, अब याद रखने की कोनो टेंशन वही नहीं रही। और तुम्हें पता है गोपाल, अब जब भी तुम मुझे फोन करोगे तो मुझे रिंगटोन की जगह रमा की आवाज सुनाई देगी। का? हम मिलाई के देखी? हाँ मिलाओ। सबके मन की बतिया देखा गोपाल? ये का भाभी? सब तो ठीक बा, लेकिन मनोज आजकल बहुत ही टेंशन में रहेला। क्यों? ओकरा के हमेशा ये डर सतावेला कि रमा दीदी के बारे में रउआ को पता लगी तो का होई। रउआ मनोज को सब कुछ बता दे कि तोहरा के सब पता बा। नहीं गोपाल, मैं चाहती हूँ कि मनोज खुद मुझसे सारी सच्चाई कहे। लेकिन भाभी देखो गोपाल, एक पत्नी हमेशा यही चाहती है कि उसका पति उससे कभी कुछ न छुपाए, उसे सारी बातें बता दे। कभी कभी इन बातों से शुरू में दुख जरूर होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन बाद में कम से कम इस बात का तो सुकून होता है कि रिश्तों में अभी कहीं न कहीं सच्चाई बाकी है। हम रउआ की बात एकदम समझ गए भाभी। हाँ। और सुनो गोपाल एक बात और, अब तुम मुझे कभी भाभी नहीं भौजी कहकर बुलाया करो। ठीक बाप भौजी। कहाँ गई रमा? रमा, अरे रमा, अरे ये सब ऐसे क्यों फैला दिया? अरे हमारे स्क्रिप्ट के फाइल नहीं मिले थे, आज ओकरा पर डिस्कशन करे के हवे, ये पढ़ के ये रख दिया रहे। कहाँ गई लू? मुझे क्या पता तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ रखी है, शायद मैं इस काबिल ही नहीं बन सकी कि तुम कभी कुछ भी मुझसे बांट सकते। शायद मैं तुम्हारी बीवी होकर भी बीवी नहीं बन सकी। का मतलब रमा हमार ध्यान रखत हो, कतहूं एकरा कुछ पता तो नहीं चल गई जे ऐसा बात कर दिया? अगर कतहूं एकरा पता चल गई तो ई हमार जीव मुहाल कई दी। ईला तुहार फाइल कहवा लेके चली गई रेलू? हम लेके ना चली गई रेली, ई हमरा के गार्डन में मिलल रहे। वहां काहे रखलू, यहां काहे ना रखलू? कहवा था आज बड़ा परेशान लागत हवे। कबहू कबहू ई सोचिला कि तोहरे खुशी के खातिर अगर तोहरा मांग में सिंदूर ना भरले होती तो आज हमरा के ई डर ना सतावत की संध्या के पता चल जाई तो का होई? ई सोच सोच कर हमरा के एक पल भी चैन के सांस ना मिलेला। मनोज ये क्या किया तुमने? संध्या, संध्या बात तो सुना। देखा हमार और रमा के बीच में ऐसा वैसा कौनो बात नहीं बा। मुझे सब मालूम है। अरे हमार यकीन कर, रमा और हमरा बीच में ऐसा वैसा कौनो रिश्ता नहीं बा। मुझे गोपाल ने सब कुछ बता दिया है। गोपाल ने? गोपाल का बतला बस तोरा के यही कि तुम उसके लिए भगवान बन गए थे। नहीं संध्या, हम भगवान नहीं, हम तो एक मरई वाली के मन रखे खातिर उसके मांग में सिंदूर भरल रहली, इसीलिए तो मैं चुप थी। आज मुझे एहसास हुआ है गुनाहगार तुम नहीं रमा भी नहीं, गुनाहगार तो मैं हूं। रमा तो मेरी जिंदगी में एक देवी बनकर आई थी जिसने मुझे जीने का मकसद सिखाया। मैं रमा से सीख कर ही
तुम्हारे लायक बनना चाहती थी। जिस तरह तुम उसकी जिंदगी में भगवान बनकर आए थे, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी, आज उसने देवी बनकर हम दोनों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। आज मैं खुद तुमसे कह रही हूं, उसे अपना लो मनोज, उसे अपना लो। रमा, देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई। अगर इसे कुछ हो गया ना, माफ नहीं करूंगी। रमा, रमा, उठाओ उसे, उठाओ उसे, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। रमा, एक्सक्यूज मी, आप ही लीजिए और जल्दी जाकर इंजेक्शन लाइए। जी, गो फास्ट। डॉक्टर साहब, उनके बुलादा, उनके बुलादा हमरा के उनसे माफी मांगी के बाद थोड़ा ही वक्त रहेगा उनके पास, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। रमा, 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 दीदी, नहीं नहीं, लेटो लेटो, तुम प्लीज आराम करो, बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अब हमरा के पास ज्यादा समय ना ही बा दीदी, हमरी वजह से जौन तो है तकलीफ भयल हो, ओकरा बदे दोनों जन माफ कर दे। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है पगली, माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए, बहुत देर कर दी मैंने तुम्हें समझने में। हमरे से माफी मांग के हमरे ऊपर पाप मत डारा, पहले ही हम तोहार गुनागार है, तोहरा के हक पे डाका डार के अपन मांग भरवा ले ली दीदी। हम जानत है कि अब हमरे पास ज्यादा समय ना ही बा, हम आखिरी बार उनका मुंह देख के चाहित बा, हम उनके देख ले। आप अंदर जाइए। ऐसा मत कहो रमा, देखो मनोज भी आ गए। मनोज, एक दिन तुमने रमा की मांग में सिंदूर भरा था, पर आज आज मैं तुमसे कह रही हूं, मेरी मांग का सिंदूर निकाल कर रमा की मांग में भर दो। और ये उपकार नहीं है रमा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, जो मुझे घर को स्वर्ग बनाने की कला सिखा दी। दीदी, मनोज बाबू आदमी ना ही भेजता हवे, हमारी इच्छा हव दीदी कि आप दोनों जन हमेशा प्यार से रही, आप दोनों का प्यार हमेशा बनल रहे, घरवा में सुख शांति बनल रहे, हमारा आत्मा खुश रही। तुम्हें कुछ नहीं होगा रमा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर मैं खुद मनोज के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी। बारात आएगी, डोली सजेगी, तुम दुल्हन बनोगी, तुम्हारी विदाई होगी रमा। रमा, अरे रमा, 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 नहीं उठो रमा, रमा, रमा। दीदी, प्रेम से औरत सबके मन की बतिया जान सकेले और उनका दिल जीत सकेले। अगर घर परिवार माँ सुख शांति चाहिए तो कुछ दुख सह के दूसरे का सुख देवे के पड़े, तब ही घर परिवार की गाड़ी खींच सकेला। विदाई कैसन दुल्हनिया बिहाई, ई कैसन दुल्हनिया, ई कैसन दुल्हनिया बिहाई, ई कैसन दुल्हनिया। बिन रिस
रिश्ता के रिश्ता जुड़ैलो हाथ थमा के साथ छुड़ैलो। मनोज और संध्या की जिंदगी में एक परी आई और उन दोनों को खुशहाल जिंदगी के मतलब सिखाए के चली गई। ई कैसन दुल्हनिया बिहाई, ई कैसन दुल्हनिया, ई कैसन दुल्हनिया बिहाई, ई कैसन सिखैलू प्रीत के मतलब सबके बतैलू। देख देहलु सब अपन गहना कैसे कर्ज चुकाई बहना। रो रो अखियां करत दुहाई ई कैसन दुल्हनिया, ई कैसन